पलवल हतीन रोड पर धोज निवासी शौकीन अपने ऑटो में सवारी लेकर पीन गांव जा रहा था। जैसे ही वह हतीन के निकट गांव गड़ी मोड़ पर पहुंचा तो तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे देखकर ट्रक चालक मौके से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए पलवल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान मां असीमा व बेटे अरवाज की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए नूह के नल्लड हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम सर चौकी में थे, हमको सूचना मिली अभी अभी गड़ी विनोद हतीन में एक्सीडेंट हुआ, तो हम मौके पे इंचार्ज सहित SHO साहब सहित वहाँ पहुँचे मौके पे, और LP और CNG ऑटो का एक्सीडेंट था और घायलों को लेकर हम तुरंत हॉस्पिटल लेकर आ गए। तो कितने लोगों की मौत हुई है? जिनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी इंजर्ड है। कुल कितने लोग उसमें सवार थे? 4-5 आदमी थे, और 2-3 बच्चे थे, 4-5 आदमी थे। कैसी हालत है उनकी? फिलहाल 2-2 इंजर्ड, वो एक्सपायर हो लिए और इंजर्ड है, उनको जो ट्रीटमेंट चल रहा है।